टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में तेंदुआ आने की खबर सबने सुनी होगी, मगर तेंदुआ था या कुछ और ये किसी को भी सही जानकारी नहीं मिली। सभी लोग हवा में तीर छोड़ते रहे, तेंदुआ है, फलाना है, भीमका है, मगर अब उसकी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज दिवा थी। 22 जुलाई को मुमरा में तेंदुआ आने की बात सामने आई थी, मगर उसके पहले यानी कि 20 जुलाई को दिवा के अगासन गांव शमशान भूमि के पास राकेश मुंडे के घर में एक जानवर दिखाई दिया और ये सीसीटीवी में कैद भी हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखने के अनुसार तो ये तेंदुआ जैसा नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे लेनेक्स कैट या बॉब कैट, यानी कि वन बिलाव या जंगली बिल्ली भी आप इसे कह सकते हैं, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। 20 जुलाई के रात में राकेश मुंडे के घर में करीब 1 बजे के वक्त में दिखाई दिया ये जानवर। हालांकि इस जानवर के आने से इनके घर परिवार और मोहल्ले में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है, कहीं फिर ये जानवर उनके घर ना आए और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इसके वजह से राकेश मुंडे ने इसकी जानकारी वन विभाग को भी दे दी है। यानी कि वन बिलाव जैसा दिखने वाला ये जानवर कभी दीवा तो कभी मुमरा में दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है कि अभी तक इसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। वन विभाग के अधिकारियों को हालांकि इसकी जानकारी तो दे दी गई है, अब वन विभाग के अधिकारियों को इसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये इसी तरह से दिवा और मुमरा में घूमता रहा तो आगे चलकर ये लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।